उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। यवतमाल जिले के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन पर शिवसेना के दैनिक मुखपत्र सामना अखबार में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक लेख लिखने का आरोप है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि यह प्रजातंत्र है, यह सभी को भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, तो कोई किसी की जुबान नहीं काट सकता। मेरे ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, क्यों हुआ है मुझे मालूम नहीं। कोई कहता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई टिका टिप्पणी की है, ठीक है, मैं सांसद हूँ, मैं इतने साल से राजनीति में हूँ, एक राजनीतिक भाषा होती है सभी की, अपने अपना एक धर्म होता है। इस देश में अब तक सेंसरशिप इमरजेंसी नहीं लगी है, जब प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर करेंगे इस देश में इमरजेंसी लगी है और आप सभी के लिखने और बोलने को पाबंदी है, तो मैं जरूर विचार करूंगा कि हाँ ठीक है, अब इमरजेंसी है तो हमको देश छोड़कर चला जाना चाहिए या भूमिगत होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, तब मैं विचार करूंगा। लेकिन जब तक इस देश में लोकतंत्र है, तब तक मैं संविधान और कानून के दायरे में रहकर हमारी बात है वो जनता के सामने में रखना मेरा अधिकार है।